हेलो दोस्तों, मैं हूं जित। बजाज चेतक तो ज़्यादा रेंज प्रोवाइड नहीं करती, मगर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि दोस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर तो काफ़ी हैं, मगर एक काफ़ी अलग लुक में आपको प्रोवाइड करता है। इस वजह से इसकी जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो इसकी राइडिंग रेंज तो 90 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पर दे देती है। पहले इसके रियल की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसके इंडिकेटर टी लाइट देखने को मिलते हैं, और रही बात इसके नंबर प्लेट की तो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। हेडलाइट आपको कुछ इस प्रकार से एलईडी हेडलाइट भी दिया जाएगा, जो कि काफ़ी राउंड शेप में होगा। सबसे अलग इसका हेडलाइट मिलेगा। इसका जो टॉप स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर्स है। और रही बात रियल में, तो आपको चेतक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। टी लाइट कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसकी बैटरी चार्जिंग टाइम आपको 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। ग्रिप रिल कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। इसका जो रेटेड पावर है 3800 वाट, और मैक्स पावर की बात करें तो 4080 वाट रहेगा। मीटर कुछ इस प्रकार से राउंड शेप में रहेगा, जैसा कि आपका इसका हेडलाइट है वैसा ही मीटर रहेगा, जो कि सबसे अलग बनाती है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे, इसमें आपको ड्रम ब्रेक अवेलेबल मिलेंगे। इसके प्राइस की बात करें तो इसमें आपको 2 वेरिएंट दिए जाते हैं, जो कि बजाज चेतक प्रीमियम है। उसका 1,26,941 रुपये ऑन रोड प्राइस रहेगा, जो कि 90 किलोमीटर का ये माइलेज देगी, 63 किलोमीटर पर आवर्स रहेगा। और रही चेतक प्रीमियम 2023 का एडिशन वाला, तो इसमें आपको 1,59,257 रुपये और ऑन रोड रहेगा, 90 किलोमीटर का राइडिंग रेंज 63 किलोमीटर पर आवर सेम रहेगा। राइडिंग रेंज और इसका जो टॉप स्पीड सेम रहेगा, बस क्या है थोड़ा सा आपको एडवांस एडिशन में देखने को मिल जाएगा फीचर्स, और कोई ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। We'll be right back.